ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द बेटा एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैं आज असाइनमेंट जो है आई विल सेंड इन द ग्रुप, बट अभी मैं क्वेश्चन बोलूंगी और आप ट्राई करोगे। ओके हाँ जी बेटा, दैट इज रिवीजन ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर बेटा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, रिवीजन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, देन पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। आई विल नॉट राइट द ऑप्शंस, ठीक है, हम खुद निकालेंगे। हाँ जी, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, 154, 22/7, आर मुझे कैलकुलेट करना है, तो बेटा ये 11 टू द, और मेरे पास 11 वन द, 4 द, और देखिए 7, आर स्क्वायर इज 7 स्क्वायर, आर इज 7, पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस मेरे पास जो है दैट इज 2 पाई आर, 2 22/7, आर इज 7, आंसर इज 44 सेंटीमीटर। स्पीड से बेटा, आई विल नॉट वेट फॉर एनी चाइल्ड, क्योंकि स्पीड इंक्रीज करनी है हमें। ओके, खुद देखो एक एमसीक्यू करने को आपको 1 मिनट मिलना है, 1 एमसीक्यू करने के लिए 1 मिनट मिलेगा पेपर में। हाँ जी, कल को कॉम्पिटिटिव देना बेटा, तो उसके लिए अभी से आपको वेल प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। प्लस वन प्लस टू में जितने भी कॉम्पिटिटिव प्लस टू में होते हैं, एक क्वेश्चन को करने का 1 मिनट ही मिलता है। जिन्होंने बहुत सारे ओलंपियाड्स दिए उनको पता है कि टाइम बाउंड कितना होता है। सो डोंट से एनीथिंग, करना है बस करना है, बात खत्म। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस आर, देन एरिया ऑफ सेक्टर। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 180, 2 पाई आर थीटा बाय 360, एंड द लास्ट इज 2 पाई आर थीटा बाय 180। देखो इसको सॉल्व करने में टाइम नहीं ना लगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे, तो अपने आप टाइम सेव हो गया, वो दूसरे में यूज हो जाएगा। नाउ कम टू थर्ड बेटा क्वेश्चन, मेरे पास जो है थर्ड एमसीक्यू। हाँ जी बेटा, थर्ड एमसीक्यू, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ sum of areas of two circles with radii r1 and r2 is equal to area of circle of radius r, then which of the option is valid? A, R1 plus R2 is equal to R, B, R1 square plus R2 square is equal to R square, C, R1 plus R2 less than R, D, R1 square plus R2 square less than R square। हाँ जी बिल्कुल, कैसे कैलकुलेट हुआ अगर आप सब नहीं ट्राई करोगे ना बेटा, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको कह रही हूँ। क्लियर कट है, सम ऑफ द एरियाज यानी पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, क्योंकि सम ऑफ द एरियाज जो है दो सर्कल का किसके इक्वल है? बड़े सर्कल के रेडियस के।
तो पाई 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 कैंसल, तो कौन सी ऑप्शन टू हो गई, जो हो गया डी सॉरी बी ऑप्शन। ओके बेटा क्लियर। हाँ जी प्रेक्षित कम हियर बेटा ऑन द फर्स्ट बेंच आ जाओ, शाबाश। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास फोर्थ, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। अब उसने कहा है सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस दैट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल। अब कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी, ए वाली, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है टू पाई आर, तो दैट मीन्स टू पाई आर वन प्लस टू पाई आर टू इज इक्वल टू टू पाई। ओके देन आंसर ए इज ट्रू। ओके बेटा क्लियर, ये पिछला है बेटा, मैंने फोर्थ क्वेश्चन बोला है, स्टेटमेंट सारी सेम है, एरिया की जगह पे अगर सर्कमफ्रेंस वर्ड आ जाए। ओके अब कंबाइनली आप नहीं बोलोगे कुछ भी, प्लीज आई विल आस्क टर्न बाय टर्न नाउ। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बेटा व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जस्ट सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मेरे पास जो है दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देन उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ध्यान से देखना। देन फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, बी एरिया ऑफ सर्कल जो है वो ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, सी एरिया ऑफ सर्कल लेस देन एरिया ऑफ जो है स्क्वायर, थर्ड उसने लास्ट नथिंग डिफाइन कैन बी सेट अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। वो कहता हम कुछ भी डिफाइंड नहीं कर सकते, लेट अस सी कि वो क्या कहता है, देखते हैं कि वो क्या कहता है। देखिए बेटा सर्कमफ्रेंस मतलब टू पाई आर और पेरीमीटर साइड मल्टीप्लाई फोर। ओके जी, तो यहां से ये टू और टू कट गया। अगर मैं रेडियस देखूं टू टाइम्स द साइड ओवर 22/7 तो ये बन गया 14, ये बना। अगर इधर से नहीं लेना, अच्छा अगर मैंने टू टू काटना भी है यहां पर देखो कोई कटिंग होती है तो, हाँ जी बिल्कुल जी 7/11। अगर मैं साइड देखूं ये 11/7 आर बन गई, बना के नहीं बना। अब मैं एरिया की बात करूं, कोई भी एग्जांपल एक पर्टिकुलर हम लेके भी देख सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में हमने हमेशा ब्रॉडली सोचना है बेटा, आप सीधा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास जो है अगर मैं यहां पर देखूं बेटा तो मेरे पास जो है क्या है, जो साइड है ना वो रेडियस का पाई बाय 7 है, और मैं जब बात करूंगी एरिया की, एरिया ऑफ सर्कल जो है जब मैं पुट करूंगी वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये ऐसे ही रहने। उधर से मैं नीचे ले लेती हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, अब मैं यहां वैल्यू पुट करके देखती हूँ, लेट मी शो यू। हाँ जी, तो मेरे पास पाई एज इट इज रहना है, आर स्क्वायर एज इट इज, मैंने साइड की वैल्यू पुट की। अच्छा चाहे मैं पाई में चेंज भी ना करती क्योंकि मुझे पता है यहाँ कट हो जाना है, देखो कैलकुलेशंस, मैं सीधा एस की वैल्यू पाई आर बाय टू भी पुट कर सकती हूँ, मेरी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। देखो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टू का स्क्वायर फोर, अब देखो आर स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से पाई कैंसिल, ये मेरे पास ऊपर चला गया 4/पाई। अगर 4/पाई देखूं तो ये 22 और ये 7, ये कितना बना 28/2, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1,
ऑलवेज ग्रेटर देन वन है कि नहीं है? जब ये ग्रेटर देन वन है तो दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ये सारे क्वेश्चन से डिफरेंट है ना, है क्या नहीं है? इसको मार्क कर लो, बाकी सारे इजी थे। ऐसे क्वेश्चंस को हम बार बार देखेंगे, हमें याद हो जाएगा। अगर अपनी स्पीड बढ़ानी, इनकी एक कॉपी लगा लीजिए, ऐसे एमसीक्यूज को क्या करो, एक कॉपी पे लिखते जाओ कि दीज आर डिफरेंट, बाकी सारे मेरे एमसीक्यूज नॉर्मल है। टिपिकल वाले को एक कॉपी में नोट करते जाओ, सिर्फ टिपिकल वन। समझ आ गया बेटा? बेटा कुछ भी नहीं, मैंने आपको ये इतना सारा सिर्फ समझाने के लिए बताया। मैंने चाहे तुम आर की वैल्यू तुम यहां से सीधा भी निकाल सकते थे। ये देखिए पाई आर टू एस के इक्वल और एस की वैल्यू ये आया। मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल को एरिया ऑफ स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। मैंने वैल्यूज पुट की, एस की वैल्यू मैंने ये पुट की, पुट करने पे ये 4 ऊपर चला गया, पाई की जगह पे 22/7 लगाया, ये कैलकुलेशन की तो ये 28/22 आया। यानी जो रेशियो है वो 1 से बड़ी आ रही है हमेशा। तो दैट मींस क्या हुआ, एरिया ऑफ सर्कल ये जब स्क्वायर उधर जाएगा ग्रेटर देन 1 के साथ तो वो क्या होगा, बड़ा ही होगा ना, क्योंकि हम यहां पर जो ऑप्शन दी थी ना वो एरिया ऑफ सर्कल और स्क्वायर में रिलेशन दिया था। तो वो अगर मैं यहाँ 2 लिख देती, इसको आप डिवाइड करो आएगा ही 1 point something, तो 1 से ही करोगे ना। तुम अगर 0 से करते हो कि ये पॉजिटिव, रेशियो तो पॉजिटिव ही होती है, तो 1 से ही कंपैरिजन करोगे। बात समझ आई? रिक्वायरमेंट है, अगर यहाँ कहीं ट्वाइस होता थ्राइस होता तो मैं उसके अकॉर्डिंगली वहां देखती कि क्या वो बनता है। हाँ जी, अगर यहां पर सपोज मेरे पास जो है डिवाइड करने पे 3 point something होता तो मैं क्या कहती, ग्रेटर देन 3। अगर 2 point something होता तो ग्रेटर देन 2। सिंपल सी बात, समझ आ गई बेटा? क्लियर बेटा? जरूरी नहीं है ना, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब मेरे को फटाफट विमान ने कह दिया मैडम डी ऑप्शन कर दो आप ट्रू, बट मैंने वाइडली सोचा कि यहां पर ग्रेटर देन लेस देन वाली टर्म है तो क्या पता उनमें से कोई केस हो, तो फिर मैंने कहा कि मैं रिलेशन निकालती हूँ। मुझे यहीं से पता चल गया था कि जो मेरे पास अगर मैं देखूं रेडियस वो बड़ा है साइड से यहां पर, तो जब रिलेशन इनमें जो है अगर वो ज्यादा है, वो नीचे टर्म आनी है वो डिवाइड होकर ऊपर चले जानी है, तो अपने वो 1 से बड़ा ही आए। समझ आ गई बात? क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ एरिया जो ऑफ रेडियस आर। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर सिक्स में, एक सेमी सर्कल पे लार्जेस्ट ट्रायंगल, ठीक है, इसका रेडियस आर दिया है, इसका एरिया निकालना। देखो मुझे पता है ये 90 होगा जिधर मर्जी चल रहा है, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया, उसने एरिया ट्रायंगल का ही पूछा है, हाफ बेस इनटू हाइट होगा। क्यों बनाया? क्योंकि ये डायामीटर है। आपने नाइन्थ में ये चीज की हुई है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 degree, किया ना? हाँ जी, साइन ले सकते, मुझे जरूरत क्या है उसकी, लेट अस सी। वेल, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, अगर वो लगाना होता, मैं आपको बार बार वो चीज कहती हूं, ट्रायंगल सेंटर पे होनी चाहिए ऐसे, ये कॉर्ड है
ये अगर ये सर्कल पूरा करती तो ये वो ट्रायंगल बनती, ऐसे होता तो मैं करती। समझ आई मेरी बात? आप कह के कि इसका ट्वाइस निकाल दें और इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, वैसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी, और कोई मेथड बेटा? थीटा ये ले लिया, इसको 90 माइनस थीटा ले लूं। थीटा तो मेरे पास है ही नहीं ना पुत्र, कैसे निकालूं बताओ मुझे, कोई फायदा है लेने का? फिर लेट अस सी, पहले तो ऑप्शंस देखें हमारे पास जो है, इसमें ऑप्शंस दी हुई हैं, आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर, देन 2 आर स्क्वायर, रूट 2 आर स्क्वायर, ये सारी ऑप्शन दी है। देखो जरा कैसे किया मैंने। हाँ जी, ये मेरे पास आर रेडियस दिया हुआ है, तो ये भी आर है कि नहीं है? ये 90 डिग्री है। अब ये कॉर्ड्स मेरे पास इक्वल नहीं ना, कि मैं एक्स ले लू, एक्स ले लू, पाइथागोरस थ्योरम लगा लू। मेरे दिमाग में जो है कहीं ना कहीं, अगर मैं देखूं हाफ बेस अगर ये है और हाइट मेरे पास ये है, मुझे ये दोनों की वैल्यूज चाहिए। आप अगर कह रहे हो कि मैम हम इसको ज्वाइन कर दें, बट ये एंगल 90 जरूरी नहीं है हमारे पास, हाँ जी मैं फिर बता रही हूं बेटा इस क्वेश्चन में, कि अगर हमारे पास वर्ड दिया था लार्जेस्ट, हमने इसको स्ट्रेस दिया, जब स्ट्रेस दिया दिमाग आया लार्जेस्ट तभी हो सकता है अगर एंगल यहां पर कितना हो 45 हो, तो 45 इधर लिया तो ये भी 45 ही होगा, होगा कि नहीं? तो 100% फिर चाहे इतना हम करते भी ना, हाफ बेस इंटू हाइट फटाफट करते एक निकालते, क्योंकि अगर ये 45 है जितना ये उतना ये, एक बेस निकालते तो वहीं से वो वैल्यू ज्यादा नहीं। ओके बेटा? हाँ जी, हाँ बिल्कुल लग सकता है आप बेस इंटू हाइट, हाँ बिल्कुल है ना। तो इसको भी मार्क कर लीजिए लार्जेस्ट एंगल। अब नोट लिखिए, फॉर अ लार्जेस्ट एंगल इन अ सेमी सर्कल थीटा will be 45 degree, for a largest triangle in a semicircle theta will be 45 degree. अब next question, let us see the next question, क्या होता है उसमें? हाँ जी, if the perimeter, हाँ जी क्या 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 बेटा? अभी हम फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, आपको समझाने में यही तो रिवीजन होती है। पहले चैप्टर कराते हैं, एक चैप्टर को करने को 1 वीक लगता है, बट जब आपको आ जाता है आप एक दिन में पूरी पूरी बुक रिवाइज करते हो, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाती है। दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग दीज क्वेश्चंस ना। ओके जी, क्लियर? चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th बेटा, what is written in the question? If the perimeter of circle is equals to that of square, find the ratio of their areas. हाँ जी, that means circle का area divided by जो है square का area. हाँ जी, पाई आर स्क्वायर बाय साइड स्क्वायर, यहां से रिलेशन निकालेंगे। मेरे पास पाई आर स्क्वायर दैट इज साइड स्क्वायर, एस की जगह पे ओहो पेरीमीटर इक्वेट करना था। हाँ जी, 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 इंटू एस। हाँ जी, ये कट गया और एस की वैल्यू 2 पुट कीजिए, पाई आर ये स्केयर 4 ऊपर आ गया, आर स्केयर कैंसल,
ये कैंसल, 4 बाय पाई। अब ऑप्शन देखें तो मेरे पास हो गए, यहां पर चेक कर लो कोई कटिंग गलती ना हो जाए। नहीं बेटा, सारे आंसर्स पाई में दिए, बट ऑप्शन उन्होंने जो है पाई रेशियो 4:5 दी हुई है। बी ऑप्शन इज करेक्ट दी हुई है बेटा। अब ये आपने एमसीक्यूज में देखना है कि पाई वाली वैल्यू उन्होंने दी है कि नहीं दी है। दी है तो पाई में रहने दो, नहीं दी तो पाई की वैल्यू पुट करके निकालो, इतनी कौन सी बात है। ठीक है जी, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8 नाउ एमसीक्यू। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनना बेटा। इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल टू, एक सर्कुलर पार्क बनाना है इक्वल टू द एरिया ऑफ टू सर्कुलर पार्क ऑफ डायामीटर, एक का डायामीटर 16 और एक का 12 इन ए लोकेलिटी। अब उसने कहा है द रेडियाई ऑफ द न्यू पार्क वुड बी, हमें उसने कहा है कि आप रेडियस बताइए कि न्यू पार्क का कितना है। तो सिंपल है, अगर एक नया हमने पार्क बनाया है जिसका जो है क्या है बेसिकली एरिया जो है वो दो एरियाज के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो सिंपल पाई आर स्क्वायर, अब इसमें तो आपको याद ही होना चाहिए कि बेसिकली जो आर स्क्वायर है ना वो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जब एरिया इक्वल है, जब एरिया इक्वल है, अगर सरकमफ्रेंस इक्वल है तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। अब जब बार बार आप कर रहे हो तो ये छोटे छोटे टिप्स, मतलब हमें कोई एरिया इक्वेट करने की जरूरत नहीं। अब यहां पर क्लियर कट डायामीटर दिया है 8 स्क्वायर, यहां पर हाँ जी 100 बन गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है 10। कोई जरूरत नहीं वो इक्वेट करने की, सीधा भी याद रखो, दो क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं हम, तो यही तो शॉर्ट ट्रिक है। अगर एरिया इक्वल है तो मेरे पास जो है वो रेडियस का स्क्वायर दोनों स्क्वायर्स के सम के एरिया के इक्वल है, लेकिन अगर सर्कमफ्रेंस इक्वल है तो सिंपल रेडियस क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। ओके बेटा क्लियर, चले आगे। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 बेटा फ्रॉम दिस असाइनमेंट, एंड व्हाट इज गिवन हियर इन द क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर। अब यहां कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है सर्कल अंदर बनाना है कि स्क्वायर अंदर बताना है। उसने कहा है एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब, सर्कल अंदर, इंस्क्राइब का मतलब अंदर, सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर, ओके, इन अ स्क्वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जितनी साइड है उतना इसका क्या हो जाएगा डायामीटर। तो सिंपल मेरे पास आर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर 9 पाई इज द आंसर। ओके बेटा, एरिया ऑफ ए सर्कल स्टार्टिंग में ही बोला मैंने, क्वेश्चन ही यहां से स्टार्ट किया है, एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ रेडियस जो है 6 डायमीटर या रेडियस जो भी दी, ठीक है जी, साइड दी हुई थी हमें उसकी। ओके बेटा क्लियर, सबको बात समझ आ गई। उसने कहा कि एक सर्कल स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर दी है, सर्कल का एरिया निकालना है, जितनी साइड होगी उतना सर्कल का वो क्या होगा डायमीटर, तो रेडियस आ गया पाई आर स्क्वायर लगाओ एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके फॉर टुडे जो है यहां तक ही हम बेटा कवर करेंगे।